अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं अपने चैनल कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग को वेलकम करता हूँ। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा टाइप्स ऑफ लैपटॉप स्क्रीन्स। बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोग के लिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स के बारे में। वहाँ पर किसी ने पूछा था कि लैपटॉप की स्क्रीन्स के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंप्यूटर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ मैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड नए से नए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज मैं बेसिकली चार चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो अगर आप समझना चाहते हैं फुल लैपटॉप स्क्रीन्स के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं चार चीज़ों को बताना चाहता हूँ। चार चीज़ों में सबसे पहला है ट्रांसमिसिव स्क्रीन। मैं सबसे पहले ट्रांसमिसिव स्क्रीन के बारे में बताऊंगा, इसके बाद हम ट्रांसफ्लेक्टिव स्क्रीन और इसके बाद हम रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स। तो ये तीनों बेसिकली टाइप्स हो गए स्क्रीन्स के। इसके बाद मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जिसको हम कहते हैं वाइड स्क्रीन्स। वाइड स्क्रीन्स अब इस ये बेसिकली एक अलग टॉपिक है, और ये तीनों स्क्रीन्स के टाइप्स हैं। तो मैं आप लोगों को इन चारों के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रांसमिसिव स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन ट्रांसमिटिव स्क्रीन्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, किस कौन कौन से लोग यूज करते हैं। तो अगर मैं बताना चाहता हूँ ट्रांसमिटिव स्क्रीन का सबसे पहला फायदा ये है कि वो बहुत ही कॉमन है, मतलब इसको मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करने की वजह ये है क्योंकि ये बहुत ही मतलब लो प्राइस में आपको मिलता है, और दूसरा इसका ये कि हाई क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। अब जो चीज़ लो प्राइस में हाई क्वालिटी ये देता है तो उसको लोग ज़रूर खरीदेंगे। तो ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली एक मतलब ये यूज़ करते हैं थिन पिन ट्रांजिस्टर्स। थिन पिन ट्रांजिस्टर्स बेसिकली ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो स्क्रीन के पीछे लगे होते हैं। ये हर एक पिक्सल पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी इन ट्रांजिस्टर से पास करते हैं तो वो डायोड जो वो लगे होते हैं स्क्रीन पे वो लाइट अप हो जाते हैं, और जब लाइट अप हो जाते हैं तो इनको मतलब वो स्क्रीन में रोशनी पैदा कर देते हैं। अब इसका एक डाउनसाइड ये है कि जब आउटडोर में हम इसको यूज़ करते हैं लैपटॉप को, तो आउटडोर में जब सन का लाइट इस पर पड़ता है तो इसका जो लाइट का मतलब बैक लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। ब्राइट होने की वजह ये है कि वो मतलब ओवर पावर्ड हो जाते हैं, जब ब्राइट लाइट उन पर पड़ता है तो वो ओवर पावर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स के बारे में। रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स और ट्रांसमिसिव स्क्रीन्स दोनों एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स में वो जो बैक लाइट का टेक्नोलॉजी जो ट्रांसमिसिव में यूज़ होता था वो यहाँ पर यूज़ नहीं होता। और इसमें इसको एक एडवांटेज मिलता है, एडवांटेज ये कि जब हम इसमें बाहर काम करते हैं आउटडोर्स में काम करते हैं तो इसका जो लाइट होता है वो ज़्यादा मतलब आपको इसका लाइट ओवर पावर नहीं हो जाता, जैसा कि मतलब उसमें हो रहा था जो ट्रांसमिसिव में हो रहा था। और इसका फिर एक नुकसान भी है इसी वजह से, क्योंकि जब हम इंडोर काम करते हैं तो स्क्रीन का लाइट डिम हो जाता है ट्रांसमिसिव के
ट्रांसमिसिव का जो होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है इंडोर में, लेकिन इसका डिम होता है। इसका जो एक फ़ायदा है, ये आउटडोर में अच्छा, मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर इसका जो ब्रेक लाइट है वो ओवर पावर नहीं हो जाता और वो नॉर्मल से आपको स्क्रीन दिखा रहा होता है। अब हम आते हैं यहाँ पर ट्रांसफ्लेक्टिव स्क्रीन्स। अब ट्रांसफ्लेक्टिव स्क्रीन बेसिकली अगर हम कहें तो ये दो स्क्रीन्स का मजमुआ है, एक ट्रांसमिसिव का और दूसरा रिफ्लेक्टिव का। इसकी वजह ये है कि जब ये इनडोर में होता है, तो ये ट्रांसमिसिव की खूबियाँ शो कर देता है, और जब आउटडोर में होता है तो ये रिफ्लेक्टिव की जो खूबियाँ हैं वो शो कर देता है। अब इसका एक मतलब डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही मतलब हाई प्राइस में आता है, मोस्टली जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ट्रांसमिसिव को यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग लैपटॉप को इंडोर यूज़ करते हैं, आउटडोर यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर कोई इसको यूज़ करे इंडोर और आउटडोर में बहुत में, तो आपको ट्रांसरिफ्लेक्टिव स्क्रीन ही चाहिए होता है। तो मोस्टली लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स ये इस्तेमाल नहीं करते, ट्रांसमिसिव इस्तेमाल करते हैं। तो ये ठीक होगा अगर आपका जो काम है आउटडोर और इंडोर दोनों। अब हम आते हैं वाइड स्क्रीन के कॉन्सेप्ट में। वाइड स्क्रीन किस लिए इस्तेमाल होता है, उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाइड स्क्रीन आजकल बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स वाइड स्क्रीन यूज़ करते हैं, जो कि लैपटॉप की जो स्क्रीन की वेट है, हाइट मतलब वेट 1.6 टाइम्स ज़्यादा है इसके हाइट की जगह हाइट से। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका वेट 1.6 टाइम्स ज़्यादा है इसके हाइट से, लेकिन वाइड स्क्रीन का। लेकिन पहले जो वाइड स्क्रीन नहीं होते 1.33 टाइम्स वो हाइट से ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पर वाइड स्क्रीन का फ़ायदा ये मिलता है कि हम मुख्तलिफ मतलब वीडियो एडिटिंग जैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग में हमें बहुत ज़्यादा वाइड स्क्रीन चाहिए होता है। और जो आजकल जो मूवीज़ आते हैं जो फुल स्क्रीन में आते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं मूवीज़ को वाइड स्क्रीन में। तो आजकल वाइड स्क्रीन का मतलब ट्रेंड चल रहे हैं। तो वाइड स्क्रीन ये हुआ कि मतलब इसका वेट 1.6 टाइम्स उसके हाइट से बड़ा है, जो नॉर्मल होते हैं फुल स्क्रीन उनका 1.33 टाइम्स बड़ा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आप लोग के जहन में सवाल आते हैं वो कमेंट्स में जाके पूछें। तो मैं कोशिश करूँगा इसका और पार्ट लाऊं, क्योंकि बहुत सारे और कन्फ्यूजन भी आप लोग के हो सकते हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूज़ है किसी चीज़ के बारे में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।